घर ले जाती। और ये देखिए दोस्तों, निकिता और खा रहे अच्छा नहीं, हमारे पैसे मतलब कहीं कहाँ उड़ाएगी बता। हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम अजीत नौटियाल, आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से शहर चिन्यालीसौड़ में। दोस्तों मैं अभी चिन्यालीसौड़ पे हूं और अभी दोस्तों यहां पे गंगा नदी के जस्ट किनारे पे हूं और आज के नए ब्लॉग की नई शुरुआत दोस्तों यहीं से करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आज का मौसम दिखा लेता हूं। बहुत सुंदर हो रखा है दोस्तों मौसम और सूर्य भगवान भी बिल्कुल दर्शन दे रहे हैं, बढ़िया से दर्शन दे रहे हैं सूर्य भगवान भी, और बहुत प्यारा व्यू है यार, मैं आपको दिखा लेता हूँ। दोस्तों आज का मौसम देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ है यार, हल्के हल्के बादल भी दिख रहे हैं ये उत्तरकाशी की तरफ, लेकिन दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे देवभूमि उत्तराखंड की बहुत सुंदर पहाड़ियाँ और ये झील देख सकते हैं दोस्तों आप, पानी अब धीरे धीरे घट रहा है यहाँ का, और यहाँ का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं आप चिन्यालीसौड़ का। ये जो लोकेशन है दोस्तों ये ब्लॉक के बाहर की है और यहाँ पे जोगत रोड भी है दोस्तों, ये जो रोड जा रही है जोगत रोड है, और ये सामने दिख रहा है दोस्तों ये आर्क ब्रिज यहाँ पे चिन्यालीसौड़ में है जो बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत अच्छा दिखता है और बहुत सुंदर नज़ारा हमारे चिन्यालीसौड़ का। दोस्तों मेरा थोड़ा काम है सुल्तान के पास और मैं जा रहा हूँ दोस्तों अभी सुल्तान, क्योंकि वहाँ मैंने किसी को कोई डॉक्यूमेंट देने थे तो उनके घर जा रहा हूँ दोस्तों अभी, तो उनके घर जाता हूँ और फिर आज का व्लॉग आपको बताते रहूंगा दोस्तों, आज की वीडियो बताते रहूंगा आपको, तो चलता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, निकिता और सिद्धि दोनों देखिए दोस्तों छिपके से यहाँ पे खा रही थी, यहाँ पे मंचूरियन खा रही थी मंचूरियन। और ये देखिए आप, यहाँ पे सुल्तान के पास बहुत फेमस ठेली है दोस्तों यहाँ पे, और ये देखिए हाँ तो ऐसे छिप छिप छिपके क्यों खा रही, घर ले जाती हमारे पैसे मतलब कहीं कहाँ उड़ाएगी बता। अच्छा नहीं, बिक्री तो अच्छी बात है ना, लेकिन सुबह को भी बुलाती बढ़िया से घर पे बता के आती, तेरे क्या जा रहा था घर में बताने में, मम्मी अभी घर में अभी गई हूं, दादी ने देखा मम्मी भी लेके गई अभी यहां से, क्या लेके गई मोमो, झूठ बोल रही तेरी कसम, मेरी कसम क्यों खा रही है, मेरे को क्यों मार रही है अभी, मेरी कसम मत खा यार फालतू, खा ले रुक जा मैं दादा को फोटो भेजूंगा ना, रुक जा ठीक है, अभी दादा को वीडियो भेजूंगा, रुक जा और दोस्तों ये सिद्धि की जिद है, ये बोल रही कि मुझे स्कूटी चाहिए ग्राउंड चलाने के लिए, लेकिन मैं दूंगा नहीं। ये देखिए ये बहुत शर्माती है, पहले पहले शकल दिखा, पहले शकल दिखा अपनी शकल दिखा, अरे दिखा दिखा अपनी शकल दिखा, ये दोस्तों सिद्धि अपनी शकल नहीं दिखाती है, इसकी शकल न दिखाने का राज दोस्तों मुझे भी नहीं पता। बसूरत नहीं, नहीं अच्छी है, अच्छी है, अच्छी बच्ची है, छोटी बच्ची है, कैमरा क्यों करना बंद, कैमरे के सामने खाओ, खा पूरा पूरा खा पूरा, मैं नहीं खाता बाहर की चीज नहीं खाता मैं, बाहर की चीज मैंने छोड़ रखी है इसलिए। दोस्तों मुझे अभी यहाँ पे अचानक से निकिता और सिद्धि मिल गई थी और इन्होंने मेरे लिए भी मंचूरियन लगा दिया एक हाफ प्लेट, और अब मैं भी खाता हूँ और आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे बहुत अच्छा मंचूरियन बनता है दोस्तों यहाँ पे भी, तो देखता हूँ, ये बहुत तारीफ कर रही है ये यहाँ पे, देखिए जरा बहुत तारीफ कर रही है, तो बहुत अच्छा बनता है, एकदम। चलो दोस्तों आज निकिता मेरे को खिला रही है मंचूरियन, तो देखता हूँ मैं, 50 रुपए फुल है मेरे पास, 20 इसके लिए है और 30 मैंने खाली है। चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए बस, पैसे से क्या है। ठीक है दोस्तों अब मैं भी मंचूरियन को स्वाद लेता हूँ, बहुत तारीफ करी है निकिता ने। दोस्तों सिद्धि बहुत जिद कर रही है कि मुझे स्कूटी चाहिए, लेकिन मैं देने से रहा क्योंकि ये स्कूटी लोगों की है और इसके मालिक साहब भी यहीं पे है, ज्यादा दूर भी नहीं है, बस उतनी नहीं यार, ना 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 वो मारेंगे, वो यहीं पे है स्कूटी के मालिक। चल पहले मंचूरियन खाता हूँ फिर देखता हूँ कैसा है, तब दूंगा है, अगर अच्छा होगा तब बहुत तब दे दूंगा मैं। ठीक है सुप्रभात,
दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के बाहर पे दोस्तों, और मेरे साथ है सिद्धि और निक्की। तो अभी हम यहाँ घूमने आए हैं दोस्तों, और आज अभी आपको यहाँ का हवाई पट्टी का नज़ारा दिखाऊंगा आपको, क्योंकि दोस्तों मैं चिन्यालीसौड़ में बहुत दिन से रह रहा था यार, और टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे हवाई पट्टी का व्यू देखने का, कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। और आज मैं आपको यहाँ का सुंदर व्यू दिखाऊंगा हवाई पट्टी का दोस्तों। हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र है हवाई पट्टी जो यही है चिन्यालीसौड़ में, और अभी और बड़ी हो रही दोस्तों ये यहाँ पे। दोस्तों मेरे साथ निकिता है और सिद्धि है। सिद्धि के नाक में गुस्सा रहता है हर बार, और सिद्धि हर बार नाम सिद्धि, लेकिन वो दोस्तों सिद्धि पार की उसने गुस्से में, और उसी प्रकार जिस प्रकार सिद्धि पे गुस्सा रहता है उसी प्रकार यहाँ पे हमारे भैरव देवता का भी मंदिर है, और बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ यार, बहुत जबरदस्त। हर हर महादेव शंभो, दिष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपय भैरवाय नमस्तुभ्यम, मनो ज्ञान धा तुम्हारे प्रत्यक्ष भैरवाय नमः, पटुक भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमो नमः। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं हवाई पट्टी के बाहर पे हूँ अभी, और यहाँ का मैं सुंदर नजारा आपको दिखा लेता हूँ। और मेरे साथ है निकिता और सिद्धि शर्माती है, अभी तो नहीं शर्माई यार, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ज्यादा मैं शर्माया करे शर्मिली है बल इसका नाम। तो दोस्तों अब दिखाऊंगा ये हवाई पट्टी का मेन गेट है दोस्तों, एंट्री गेट जो होता है, और अब मैं यहाँ से आपको बहुत सुंदर व्यू दिखा लेता हूँ हवाई पट्टी का। और ये देखिए दोस्तों, ये अंदर आप देख सकते हैं, ये सामने जो दिख रहा है दोस्तों ये रनवे दिख रहा है, और यही हवाई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज यही रहते दोस्तों। और अंदर तो यार मैं अभी जा नहीं पाऊंगी क्योंकि गेट बंद है अभी, वरना अंदर भी चले जाता मैं, अंदर से भी दिखा लेता आपको, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं यार मेरी कि मैं गेट तोड़ दूँ। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे हवाई पट्टी की सुरक्षा के लिए दोस्तों, ये देखिए दीवार के ऊपर किस प्रकार ये बनाए गए हैं, बहुत सुंदर ये तारे करी है, तार बाड़ कराया दोस्तों, इससे अंदर घुसना दोस्तों बहुत मुश्किल है। आइए देख सकते हैं आप, जो इतनी हिम्मत करेगा दोस्तों अपनी जान जोखिम में डालेगा, ये देखिए आप। बाकी तो हवाई पट्टी की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था की रहती है, कैमरा वगैरह लगाए रहते हैं, और यही है दोस्तों हवाई पट्टी।